हेलो एवरीवन, आज हम आपको सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सी एंड लैंड ब्रीज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट। ठीक है, जो आपके सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज हैं, ये क्या है, आपके कन्वेक्शन करंट हैं। ड्यूरिंग द डे द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द वार्म ग्राउंड बिकम वार्म एंड राइज अपवर्ड। ओके, जब आपका सुबह होती है, दिन होता है, जब आपका सूरज निकला हुआ होता है, तब क्या होती है, आपकी जो एयर होती है वो क्या होगी, वार्म हो जाएगी, क्योंकि आपका जो भी लैंड है वो क्या होता है, सूर्य की किरणों की वजह से, सनलाइट की वजह से वो क्या होता है, वार्म हो जाता है। और इसी के कारण से जो हमारी एयर होती है आपकी सरफेस के कॉन्टेक्ट में रहने की वजह से वो भी क्या होगी, वार्म हो जाएगी एंड राइज अपवर्ड, और क्या होगा, ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में वो राइज करने लगेगी। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, टू फिल इट्स प्लेस। ठीक है, जब वो ऊपर की ओर क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करने लगेगी, उठने लगेगी। ठीक है, तो ये नीचे वाले स्पेस को फिलअप करने के लिए क्या होगा, कोल्डर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द ग्राउंड। तो जो आपकी एयर वाटर की तरफ थी वो क्या होगी, आपके लैंड की तरफ आने लगेगी उस स्पेस को फिल करने के लिए। इन दिस वे आ थर्मल कन्वेक्शन साइकिल इज सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे एक थर्मल कन्वेक्शन का साइकिल आपका सेटअप होता है। दिस ट्रांसफर हीट अवे फ्रॉम द लैंड, जो कि ट्रांसफर करता है हीट को अवे फ्रॉम द लैंड, एंड द कन्वेक्शन करंट फ्रॉम द सी टू द लैंड आर कॉल्ड सी ब्रीज। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो भी कन्वेक्शन होगा, कन्वेक्शन करंट, ठीक है, सी से लैंड की ओर, या आपका सी ब्रीज कहलाएगा। एट नाइट, अब नाइट में देखते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है। ओके, द ग्राउंड लॉसेस इट्स हीट मोर क्विकली दैन द वॉटर। ठीक है, जो ग्राउंड होता है वो क्या करता है, अपनी लॉस कर देता है हीट को। ठीक है, मतलब कि वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, आपका जो भी लैंड है जहाँ पे आप रहते हैं वो आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा। एंड द वाटर सरफेस इज वार्म देन द लैंड, एज अ रिजल्ट द साइकिल इज रिवर्स एंड लैंड ब्रिज ब्लोज। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं एक बार दोबारा से, ठीक है, फिगर में जब आपका सी ब्रिज, फर्स्ट में हम देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डे है, सूर्य निकला हुआ है, सन आपका क्या है, निकला हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आपका हीट होगा, लैंड जल्दी से हीट कर जाता है, और आपका वाटर क्या होगा, कंपेरिजन देन लैंड, वो देरी से हीट करता है, वार्म होता है। ठीक है, तो एयर हीटेड ओवर लैंड एंड राइजिंग। ठीक है, तो जैसे ही लैंड की एयर क्या होगी, इनके कांटेक्ट में आएगी लैंड के, तो ये क्या होगा, ऊपर की ओर उड़ने लगेगी, जबकि आपकी जो वाटर सरफेस की एयर है वो अभी कंपेरिजन देन लैंड एयर, ये क्या है, अभी ठंडी है, तो ये आपका क्या करेगी, जो भी आपकी एयर थी वार्म होके ऊपर उड़ी थी लैंड में, वो एयर का प्लेस कौन फिल करेगा, आपकी कोल्डर एयर, मीन्स आपका जो भी सी वाटर था वहां से जो भी एयर निकल रही है वो आपकी लैंड एयर को फिलअप करने के लिए तेजी से आगे आएगी, जिससे हमारा सी ब्रिज फॉर्म होगा। एट नाइट, नाइट में हम देखते हैं यहाँ पे हमारा लैंड ब्रिज बनेगा। लैंड ब्रिज क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका मून निकला हुआ है, ठीक है, रात का समय है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी लैंड है वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को क्विकली क्या कर देता है, लॉस कर देता है। ठीक है, और कंपेरिजन देन सी या वाटर, आपका जो है देरी से ठंडा होता है। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही देखेंगे तो आपका अभी वाटर क्या है, गर्म है, तो वहां की एयर क्या होगी, वार्म होगी, और वो ऊपर की ओर उड़ेगी, और जबकि यहाँ पे जो है आपकी लैंड सरफेस पे जो भी आपका लैंड है वहां की एयर जो है वो क्या है, ठंडी हो चुकी है, कूल हो चुकी है, तो ये जल्दी से जाके यहाँ पे आपका जो है क्या करेगी, यहाँ पे आपका सी वाटर के ऊपर का प्लेस जो है वो आपका फिलअप करेगी। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रिज को बनाएंगे जिसे हम लैंड ब्रिज कहेंगे। ओके, यहाँ पे एक सिंपल वे में आप कह सकते हैं कि सी ब्रिज क्या है, जब सी से लैंड की ओर आपकी एयर मूव करे, और लैंड ब्रिज क्या है, जब लैंड से सी वाटर की ओर, ठीक है, आपकी क्या करे, एयर मूव करे। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया।